दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं दिल्ली की एक ऐसी राजनीति को लेकर जिसने कि भारतीय जनता पार्टी के 5 में से 4 सांसदों के टिकट बदल दिए। हालांकि एक सांसद मनोज तिवारी अपना टिकट बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अब की बार वो राजनीति के मैदान में, यानी कि जब मतदान होगा और जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, लगातार दूसरी बार सांसद हैं, 2 बार सांसद बन चुके हैं, लगातार 3री बार उनको टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी दिलाई। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, उस चुनाव के अंदर माने तो मनोज तिवारी से जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी वो नहीं कर पाए, इसके चलते उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन ये जरूर है कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के चहेतों में जरूर रहे। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के चहेतों में थे तो जिसके चलते वो टिकट तो ले आए, लेकिन मनोज तिवारी के जो भोजपुरी गाने हैं वो कहीं ना कहीं उनको विवादों के घेरे में ले आते हैं। और खासकर इस समय में आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और बंगाली अस्मिता पर सवाल उठाने को लेकर के मात्र 24 घंटे भी नहीं बीते कि पवन सिंह का टिकट बदलना पड़ गया। पवन सिंह ने खुद अपनी VRS ले ली, बोल दिया कि मैं चुनाव लड़ने के लायक नहीं हूँ। हालांकि जो बताया जाता है, जो राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने खुद ही उनसे कहा था कि हम आपका टिकट काटें, वो ठीक नहीं होगा, संदेश ठीक नहीं जाएगा, बेटर है कि आप खुद से ही अपने सोशल मीडिया पर खुद से ही कह दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और हुआ भी वही। लेकिन अब जब मनोज तिवारी की बात चल रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मनोज तिवारी टिकट तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब की बार मनोज तिवारी लगता है फंस सकते हैं। कारण उसके पीछे 3 बता सकते हैं आपको हम। नंबर 1 तो कि जब 10 साल की सरकार बन जाती है, उनको 10 साल सांसद बने हुए हो गए, तो एंटी इनकम्बेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है कि 10 साल के सांसद का आप मान सकते हैं कि जिसको 10 साल हो जाएं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने हुए, उनका कुछ ना कुछ विरोध शुरू हो जाता है। दूसरा, दिल्ली के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए मजबूत गठबंधन है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिन दोनों ने 4 और 3 सीटों पर गठबंधन कर लिया। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए दिल्ली के लिए। अब 3 प्रत्याशी जिनके अंदर की मनोज तिवारी साहब वाली सीट भी है, जिसके लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित करना है। और जब दोनों पार्टियों का प्रत्याशी मिल करके चुनाव मैदान में होगा, और अगर दोनों पार्टियों ने उस प्रत्याशी के लिए ठीक से मेहनत कर ली, तो फिर मान लिया जाए कि मनोज तिवारी के लिए दूसरी चुनौती बन जाएगी। क्योंकि मनोज तिवारी का, जो मैंने आपको बताया कि 10 साल वाला जो सिस्टम है, आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कई जगह सामने उनकी पोस्ट भी आ रही हैं जिसमें कि उनका अब की बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में विरोध भी हो रहा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मनोज तिवारी के मुकाबले कांग्रेस भी एक भोजपुरी गायक को ही लाने की तैयारी में है। आज एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी और एक TV चैनल पर भी आपने देखा भी होगा, और हमने भी देखा कि कांग्रेस पार्टी जो मनोज तिवारी के मुकाबले नेहा सिंह राठौर को लाने की तैयारी में है। जिस प्रकार मनोज तिवारी एक बड़ा नाम है भोजपुरी संगीत की दुनिया में, इसी प्रकार भोजपुरी दुनिया के अंदर, खासकर जो पूर्वीय समाज के लोग हैं, पूर्वांचल समाज के लोग हैं, उनके अंदर नेहा सिंह राठौर की भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ लोकप्रिय हैं, आला कमान के नज़दीक हैं मनोज तिवारी, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चोट देती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति जो उनके गाने बनाती हैं, वो अपनी कविताएं बनाती हैं, 4 लाइनें बनाती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो योगी हो, नीतीश कुमार हो। आपको ध्यान होगा बिहार में काबा से शुरू हुई थी जो संगीत वाली राजनीति नेहा सिंह राठौर की, और नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा था जो 2020 में चुनाव हुए थे कि बिहार में काबा। उस चुनाव के अंदर NDA के साथ में थे नीतीश कुमार, हालांकि अब भी घूम घाम के पलटियां मार मूर के वापस पहुंच चुके हैं वो NDA के अंदर। और उस चुनाव में नेहा सिंह राठौर बहुत लोकप्रिय हुई थी,
उसके बाद जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जब कोविड का समय आया था, तो उस समय भी नेहा सिंह राठौर ने योगी सरकार पर खूब निशाने कसे थे। नेहा सिंह राठौर के कई गाने आते थे कि गंगा में जो जिस प्रकार शवों का तैरना था, और उसको लेकर के अपनी पैरोडी भी बनाई थी और गाने भी बनाती थी। अभी हाल ही में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने कई तंज कसे, और अब अगर ऐसे में नेहा सिंह राठौर को प्रत्याशी बना दिया जाता है उस स्थिति में, जबकि एक तो भोजपुरी समाज के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग है, तो जिस अंदाज से, जिस लिहाज से रिंकिया के पापा कहते हैं मनोज तिवारी को, वो अपने ठुमकते और गाते अंदाज में रिझाते हैं लोगों को, तो वो अंदाज तो नेहा सिंह राठौर के पास भी है। अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मनोज तिवारी के पास है, तो फिर नेहा सिंह राठौर के साथ वो कोई समस्या है नहीं। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, आप मान लें कि मुकाबला बहुत सशक्त होगा। और राजनीतिक सूत्र जो बता रहे हैं कि बीजेपी की, हालांकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 400 पार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले 370 पार कर लेगी। बीजेपी 370 पार करेगी या क्या होगा, लेकिन दिल्ली का चुनाव माना जा रहा है कि अब की बार टफ हो सकता है। और दिल्ली के चुनाव को लेकर ही आप मान सकते हैं कि जो बीजेपी की रणनीति बनी 7 में से 5 प्रत्याशी बदलने की, ऐसे में अगर कहीं बीजेपी के अंदर जो अंतर विरोध चल रहा है, अगर जो उनके पुराने नेता थे, पुराने प्रत्याशी थे, वो कहीं आत्मघात लगाते हैं, दूसरा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और तीसरा मिला हुआ गठबंधन, और खासकर जब मैं बात कर रहा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो फिर मनोज तिवारी के लिए बाधा जरूर आ सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या नेहा सिंह राठौर वाकई मनोज तिवारी को चुनौती दे सकती हैं? आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर अब की बार क्या बीजेपी फिर 7 की 7 सीटें जीतने में सफल हो सकती है? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से हर्षवर्धन साहब ने VRS ले ली, जिस प्रकार से क्रिकेटर साहब अपनी राजनीति छोड़कर चले गए, जिन लोगों का और टिकट कटा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।